हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। पादप जगत को दो समूहों में बांटा गया। पादप जगत को कितने समूह में बांटा है? दो समूह। पादप जगत को दो समूह में बांटा है। कौन से दो समूह है? देखिए, क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स क्रिप्टोगैम्स जिन्हें अपुष्पी पादप कहते हैं, अपुष्पी पादप, वे पादप जिनके अंदर पुष्प नहीं बनती, ऐसे पादपों को क्रिप्टोगैम्स समूह के अंदर रखा गया, जिनके अंदर पुष्प नहीं बनती। दूसरा समूह फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स फेनेरोगैम्स को पुष्पी पादप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पी पादप, वे पादप जिनके अंदर पुष्प बनते हैं, वे पादप जिनके अंदर पुष्प बनते हैं वो फेनेरोगैम्स, और वे पादप जिनके अंदर पुष्प नहीं बनते वो क्रिप्टोगैम्स। अब इस क्रिप्टोगैम्स की बात करें तो इस क्रिप्टोगैम्स को तीन प्रभाग में बांटा गया। तीन डिवीजन होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं? देखिए, थेलोफाइटा पहला डिवीजन, थेलोफाइटा, दूसरा डिवीजन ब्रायोफाइटा, तीसरा डिवीजन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स को कितने डिवीजनों में बांटा है? तीन डिवीजन, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थेलोफाइटा क्या है? किस प्रकार का डिवीजन है? तो वे पादप जिनमें शरीर जो होता है वो थेलस की आकृति का होता है, यानी कि जिनके अंदर जड़, तना और पर्ण नहीं पाए जाते, और जिनका शरीर जो होता है वो तंतुमय या थेलस होता है, तो ऐसे पादपों को किस समूह के अंदर रखा गया? थेलोफाइटा के अंदर रखा गया। थेलोफाइटा के अंदर सेवाल, कवक और जीवाणु आते हैं, लेकिन कवक और जीवाणु ये दो मोनेरा और कवक जगत में रख दिए गए हैं। इसलिए अगर हम पादप जगत की बात करें तो पादप जगत के अंदर थेलोफाइटा के अंदर क्या आते हैं? सेवाल आते हैं, सेवाल, एल्ग। इसके अंदर जड़, तना, पर्ण आदि नहीं पाए जाते। इनका शरीर जो होता है वो थेलस होता है या तंतुमय होता है, ठीक है। अब हम बात करें ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा के अंदर जड़, तना और पर्ण नहीं पाए जाते, लेकिन जड़, तना, पर्ण सदस्य संरचनाएं पाई जाती है। लेकिन वास्तविक जड़, तना और पत्ती का क्या होता है? अभाव होता है, लेकिन इन जैसी दिखने वाली संरचनाएं इस ब्रायोफाइटा डिवीजन के अंदर पाई जाती है। तो इसके अंदर जो पादप समूह आता है वे पादप समूह लीवरवर्ट, लीवरवर्ट्स और मोसेस कहलाते हैं, और मोसेस कहलाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर जड़,
तना और पर्ण का अभाव होता है, यानी कि ये संरचना इसके अंदर नहीं पाई जाती। अब हम बात करें टेरिडोफाइटा की, इनके शरीर के अंदर इन जो पादप काय का शरीर होता है टेरिडोफाइटा का, इनमें जड़ तना और पर्ण पाए जाते हैं, यानी कि इनके अंदर जड़ तना और पर्ण पाए जाने के कारण इनमें सहवन उत्तक पाए जाते हैं। जिन पादपों में या जिन पादपों के शरीर में जड़ तना और पर्ण आदि संरचनाएं होती हैं, तो वे पादप सहवनी पादप कहलाते हैं। तो वे पादप क्या कहलाते हैं? सहवनी पादप कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सहवन उत्तक पाए जाते हैं। कौन से? जाइलम और फ्लोएम। जड़ तना और पत्ती है तो उसमें सहवन उत्तक पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर जो पादप समूह आते हैं वो देखिए कौन कौन से आते हैं। नंबर एक हॉस्टेल, और फर। फर्न व हॉस्टेल, ठीक है। अब देखिए थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इनके अंदर जड़ तना और पर्ण नहीं पाए जाते, इसलिए इनके अंदर सहवन उत्तक नहीं पाए जाते, इसलिए ये दोनों प्रभाग जो होते हैं वो असहवनी पादप। ये दोनों प्रभाग कैसे होते हैं? असहवनी पादप, यानी कि इनके अंदर सहवन उत्तक जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम उत्तक जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? असहवनी पादप। नॉन वेस्क्यूलर, क्यों? क्योंकि इनके अंदर जड़ तना व पर्ण का क्या होता है? अभाव, ठीक है। तो थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा कैसे पादप है? असहवनी पादप। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जड़ तना और पर्ण का क्या होता है? अभाव होता है। थेलोफाइटा के अंदर जड़ तना पर्ण नहीं होते, इनका शरीर जो होता है वो थेलस कहलाता है, और ब्रायोफाइटा के अंदर जड़ तना और पर्ण का अभाव होता है, लेकिन जड़ तना पर्ण जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक जड़ तना और पर्ण का क्या होता है? अभाव होता है। अब हम बात करें टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा के अंदर जड़ तना और पर्ण आदि पाए जाते हैं, इसलिए ये पादप जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहवनी पादप कहलाते हैं। सहवनी पादप कहलाते हैं, वेस्क्यूलर प्लांट कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर जड़ तना व पर पाए जाते हैं, पाए जाते, जिनके अंदर जड़ तना और पर्ण पाए जाते हैं उनके अंदर सहवन उत्तक पाए जाते हैं, उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सहवनी पादप कहा जाता है। तो अपुष्पी पादपों को कितने प्रभागों में बांटा है? तीन प्रभागों में। कौन कौन से? थेलोफाइटा, जिसके अंदर जो पादप समूह आता है वो शैवाल आता है, इनका पादप शरीर जो होता है वो थेलस आकृति का होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जड़ तना और पर्ण नहीं होते, इसलिए इनका शरीर जो होता है तंतुमय होता है और थेलाइड कहलाता है। और ब्रायोफाइटा की बात करें तो इनके अंदर भी जड़ तना और पर्ण का अभाव होता है, लेकिन इनमें जड़ तना पर्ण सदृश संरचनाएं पाई जाती है, और ये भी असहवनी पादप होते हैं, और इनके अंदर जो पादप समूह आते हैं वो लीवर वर्ट और मोसेस कहलाते हैं। और तीसरे नंबर पे टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो पादप होते हैं वो सहवनी पादप होते हैं, जिनके अंदर जड़ तना और पर्ण पाए जाते हैं, और इनके अंदर जो पादप समूह आते हैं वो हॉस्टेल व विशेष रूप से फर्न कहलाते हैं। अब हम बात करें फेनेरोगैम्स की, यानी कि पुष्पी पादप। पुष्पी पादपों को दो प्रभागों में बांटा गया है। पुष्पी पादपों को दो प्रभागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो प्रभाग होते हैं? देखिए जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म
या ऐसे कहते हैं अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी, या ऐसे कहते हैं नग्न बीजी, नग्न बीजी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं, यानी कि इसके जायांग के अंदर अंडाशय का अभाव होता है, इसलिए इनमें फल का निर्माण नहीं होता, और बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं, इसलिए इन्हें अनावर्त बीजी, नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। दूसरा इसका डिवीजन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इन्हें आवर्त बीजी कहा जाता है, आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी, ठीक है, यानी कि इनके अंदर फल का निर्माण होता है और बीज जो होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, इसलिए इन्हें आवर्त बीजी कहा जाता है। जो बीज जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? फल के अंदर, यानी कि बीज जो होते हैं वो फल के द्वारा ढके हुए होते हैं, इसलिए इन्हें आवर्त बीजी कहा जाता है। इसके अंदर इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री और दूसरा द्विबीज पत्री। मोनोकोट्स, डाइकोट्स, जिनके भ्रूण के अंदर एक बीज पत्र होता है तो उन्हें एक बीज पत्री कहते हैं, और जिनके भ्रूण के अंदर दो बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीज पत्री कहते हैं। यानी कि बीज के अंदर बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इनको दो भागों में बांटते हैं, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। जिनके भ्रूण के अंदर एक ही बीज पत्र होता है तो वो एक बीज पत्री, और जिसके भ्रूण के अंदर दो बीज पत्र होता है तो वो द्विबीज पत्री कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पादप जगत को दो समूह में बांटा गया है, क्रिप्टोकैम्प्स और फैरोकैम्प्स, अपुष्पी पादप और पुष्पी पादप। अपुष्पी पादप को तीन प्रकार से विभक्त किया गया है, जिसमें थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ये दोनों समूह जिनमें जड़, तना और पर्ण का अभाव होता है, जिनमें वास्तविक जड़, तना और पर्ण का अभाव होता है, और ये पादप समूह जो होते हैं वो अश्रवणी पादप कहलाते हैं। और तीसरा समूह जो है वो है टेरिडोफाइटा, जिनके अंदर जड़, तना और पर्ण पाए जाते हैं, और इसलिए ये समूह जो होता है वो श्रवणी पादप समूह होता है, इसके अंदर हॉस्टेल और विशेष रूप से फर्न। इसी प्रकार से पुष्पी पादपों को दो प्रभाग में बांटा गया है, दो समूहों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी कि अनावर्त बीजी, जिनमें बीज जो होते हैं वो फल के अंदर नहीं होते, जिनमें फल का निर्माण नहीं होता, जिनमें अंडाशय का अभाव होता है उन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, और जिनके अंदर फल के अंदर बीज बनते हैं इन्हें आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म कहा जाता है। इनमें बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। जिनके बीज के अंदर स्थित भ्रूण में बीज पत्र अगर एक है तो वो एक बीज पत्री, और जिनके भ्रूण के अंदर दो बीज पत्र हैं तो वो द्विबीज पत्री है। जिम्नोस्पर्म के उदाहरण देखिए, साइकस, पाइनस, एफ्रिडा। इसी प्रकार से एक बीज पत्री जो है वो होता है मक्का, और द्विबीज पत्री होता है चना। ये इसके उदाहरण, मक्का जो होता है एक बीज पत्री, चना जो होता है वो द्विबीज पत्री।